وأحسن منك لم تر عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

अला सैदना मोहम्मद मरत सामाजिन कराम अलक्कम वरम वबरकू साम सूर्यस आयत नंबर एक सौ आठ आज के सबक के चार मौजूद हैं पहला उसमें यह है कि हक क्या है सच क्या है दूसरा क्या इंसान की ज़िंदगी का मकसद ज़ाहिर दुनिया है तीसरा क्या हमारा मक़द हयात अल्लाह ताला की क़ुरब और मारिफत है और चौथा जो है अल्लाह ताला तक पहुंचने का आसान रास्ता क्या है ये सारे मौजूद हैं क़राम आज के सबक़ में इन पर बात होगी

और न अल्लाह के सिवा उन बुतों की इबादत करें जो न तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं और न तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं फिर अगर तुमने ऐसा किया तो बेशक तुम उस वक्त जालिमों में से हो जाओगे और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा फरमाए तो कोई उसके फजल को रद्द करने वाला नहीं من من वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपना फजल पहुँचाता है और वो बड़ा बख्शने वाला नहाय मेहरबान है स्वामी के राम सूर्य यूनस आयत नंबर एक सौ आठ कुल यास आप कह दीजिए कि ए लोगो क़द जाकुमिर रब यकी आ गया हक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से फमन तदा बस जिसने हिदायत कबूल कर ली जो सीधा रास्ता जिसने इख्तियार कर लिया तो फ्नमहत नब से उसने हिदायत पाई अपने लिए यानी उसका सवाब उसका अजर उसी को मिलेगा वमन द्वल्ला और जो गुमराह हो गया ग़लत रास्ता अपना लिया फ़ इन मिलो बेशक उसका का वबाल उसी पर पड़ेगा व माँ अलैकुम बिवकील और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ तो अभी सूर्यनस का अख्तामी दो आयात हैं जो हम पढ़ रहे हैं। जो आज हमने पढ़ी है आयत नंबर 108 इसके काफ़ी यानी इसमें काफ़ी मजामीन हैं एक तो इसका ख़िताब जो है वो आम लोगों से है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत आमतनास के लिए है कयामत तक के लिए और आमताननास के लिए किसी ख़ास कौम के लिए नहीं है तमाम दुनिया के लोगों के लिए गुज्त अदवार में जो भी पैगम्बर आया लिकुल निकलत रसूल हर उम्मत के लिए एक रसूल था हर उम्मत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि ये तमाम लोगों के लिए काफ़तनास बशीम व नज़ीरा तो एक बात तो यह है तो उस लोगों में मैं भी हूँ और आप भी शामिल हैं यानी थोड़ी सी तवज्जो रहे कि अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए मुझे और आप को मुखातब है और इसमें सामने क़राम एक, एक तो तस्करा है हक का कद जाकुमर रब यकी आ गया तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से सबसे पहले सामने कराम ये देखें कि हक़ क्या है जो कि रब की तरफ़ से रब ने भिजवाया है वह हक क्या चीज़ है हक़ यानी सच और सच यानी कि हक़ तो हक़ दो चीज़ें जो हैं सामने निकलाम दो चीज़ों पे बड़ी बड़ी दो चीज़ों का अहात किया है एक तो मकसद ज़िंदगी इंसान का दूसरा उसको हासिल करने का तरीकेकार या वो रास्ता जिसको जिस पर अमल करके इंसान अपने मकसूद तक पहुंच सकता है ये हक है सामिन कर यानि सच ये है और हकीक़त ये है सामिण कि हम दुनिया में आए हैं एक ख़ास मकसद लेके और ये बात भी हकीकत है कि हमारा मकसूद दुनिया नहीं है तो हमारा मकसूद क्या है अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात यानी क्या क्या मतलब अल्लाह तक रसाई उसका कुरब अल्लाह तक पहुँचना उसकी मारिफत उसकी मुलाकात उसका दीदार ये सब यहाँ तक किए हुए हैं सामिन यानी अल्लाह ताला के बारे में यानी इंसान साम्य कर थोड़ा सा मैं इक्तिसार से एक जुमला बोलने वाला हूँ थोड़ी तवज्जो सुने हम मैं और आप इसलिए दुनिया में आए हैं कि दुनिया की ज़िंदगी को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी रूह जो हमारी असल है वो इतनी ताकतवर हो जाए पावरफुल हो जाए कि अल्लाह एक तो अल्लाह ताला के करीब हो जाए फिर अल्लाह ताला की मुलाकात के अपने आप को अहल कर ले और ये तो क़ुरान से साबित है कि ईमान ईमान एक चीज़ है और जो ख़ास चीज़ है जिसको कहा गया है ईमान मोमिन साहिब ईमान लोग जो हैं वो मोमिन होते हैं और ईमान जो है उसका ताल्लुक दिल से है इस्लाम का ताल्लुक़ जो है ज़बान से है यानी इस्लाम का इकरार जो है वो आप ज़बान से करते हैं लेकिन तस्दीक जो है फिर दिल से होती है और दिल से तस्दीक जब तक ईमान न हो ईमान का क्या मतलब यकीन यकीन जब तक न हो तो आप तस्दीक नहीं कर सकते तस्दीक यकीन के बाद ही होगी तो ये बात भी है सामने क्राम दूसरी यानी मकसूद क्या है अल्लाह बारी ताला हमारा वापस लौटना किसके पास है अल्लाह की तरफ आए किस की तरफ से हैं कहाँ से आए हैं हम किसके हैं अल्लाह के हैं अल्ला है। इन्ना ले ला व इन्ना इहरा जून अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ वापस लौट के आना है ये जो सामिकर दरमैयानी हमारा आर्श हयात है जिसमें हमें बदन और जिसम और ये सारी क़ोतें दी गई हैं इसका मकसद ये है कि हम इस जिसम को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसके नतीजे में हमारी रूह जो है वो इस काबिल हो जाए कि अल्लाह ताला की मुलाकात कर सके उसका दीदार कर सके उसकी मार्फत हासिल कर ले मुलाकात दीदार क़ुरब ये सारी चीज़ें जो हैं उसका अहल हो जाए इब्तदाई सूरत में ये रूह उसकी अहल नहीं है तो बहरहाल हाल ये एक जो आरस हयात है, है साम्य इक्राम ये तमाम एक कोशिश का आरसा है लक़त इंसान इंसानफ़ी कबद अल्लाह ताला फ़रमाता है कि मैंने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है यानी इसकी कामयाबी जो है मुश्कत से ज़िंदगी गुजारने में है या य्यू हल इंसान उनका काद हन अला रबिकन फ़मला ए इंसान तुम खूब मेहनत करते हो रब की तरफ काद हन अला खूब मेहनत करते हो खूब मेहनत करते हो बस ये यकीन रखो फ़ मुलाक़ी के तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाएगी अल्लाह ताली की मुलाकात के बारे में क़ुरान बिल्कुल वाज़ है बिल्कुल वाजह है ये अलग बात है कि हम वाजह नहीं हैं हमारा जहन वाजह नहीं है हमारा जहन तो किसी चीज़ के बारे में भी आम तौर पर सामने कराम अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी चीज़ की सही हकीकत से हम वाकिफ़ नहीं हैं एक तो हमारे पास जो जिसम है इसके बारे में हमने धोखा खा लिया है कि यही हम हैं ये जाहिर ही हम हैं है। ऐसी बात तो नहीं है फिर जो जाहिर जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसको हमने असल समझ लिया है तो इन्वायरमेंट क्या है कि मैं सबसे पहले तो मैं जिसम जिसम में रहता हूँ इसको मैंने हकीकत समझ लिया है फिर जो मेरे इर्द गिर्द हैं ये मेरी माँ ये मेरे बाप और ये मेरा बेटा ये मेरी बीवी ये बेटी ये बहन ये भाई इनको हम यानी हमने कुछ अहमियत दे दी है देखें जाहिर को ज़ाहिर तक महदूद रहना चाहिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाहिर से ताल्लुक़ रखती हैं और इसकी हकीक़त कुछ और है अब जाहिर है कि जो भी हमारे साथ रहता है या हम जिनके साथ रहते हैं वो भी अरवाह हैं हमारी तरह और हकीकत तो यही है और मकसद भी एक ही है अल्लाह मकसूद है हमारा और दुनिया में हम आए हैं अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के कुरब के लिए और वो जद्दोजहद से होगा और वो कैसे होगा कि अल्लाह ताला हमें अपना रास्ता दिखाएगा हमें अपना अब मैं ज़रा मज़मून समेटता हूँ सामि इकरम वो कामयाबी हमारी क्या है कैसे मुमकिन है एक तो ये कि हमें पता चले कि हम कौन हैं हमारी जो असल है वो क्या है दूसरा हमें अपना मकसूद का पता चलना चाहिए कि हमारा मकसूद क्या है तीसरा हमें अपना रास्ता यानी कामयाबी का रास्ता मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अपना के हम अपने मकसूद तक पहुंच सकते हैं ये तो जाहिर है सामिन इकराम कि दुनिया यानी जाहिर हमारा मकसूद मतलू महबूब हरगिज़ नहीं है ये दुनिया जो है ये एक इस्तेमाल की जगह है ये ज़रूरियात हैं या आलात हैं इनको इस्तेमाल करके हम अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं तो एक बात तो ये इसकी ये है दूसरा हमारा मकसूद चूंकि जाहिर नहीं है तो अब मकसूद हमारा बातिन है बातिन और बातिन क्या अल्लाह अल्लाह ताला तो मौजूद तो है लेकिन यानी गैब से ताल्लुक़ रखता है और गैब मतलब उसकी ज़ात जो है वो नज़र ना आने वाली है तो बातें न हो गया लेकिन मकसूद हमारा वो है अल्लाह ताला की ज़ात हमारा मकसूद है अब वो मकसूद तक हमने पहुँचेंगे कैसे ये उसने यानी ये यानी मकसूद तक पहुँचने का तरीक़ा या उसकी हिदायत ये अल्लाह तुद जिम्मेदारी ले ली है कुरान में आप देखें इन आलैन ललहुदा इंसान को उसकी कामयाबी का रास्ता बताना मेरी जिम्मेदारी है वाह ना अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने दोनों रास्ते इसको बता दिए कामयाबी के भी और नाकामी के भी वाह ना इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा और मैंने इसको रास्ता बता दिया अब इसकी मर्जी है कि शुक्रगुजारी इख्तियार करता है या ना शुक्री करता है वकुल हक़ कमिर रब फमन शाह अफल मिल वमन शाह अफल यकफुर आप कह दीजिए कि देखो हक तो रब की तरफ से है जिसका जी चाहे उस पर ईमान ले आए जिसका जी चाहे उससे इनकार कर दे लेकिन जो इनकार कर देगा तो फिर उसको उसकी सज़ा भुगतनी होगी यानी इंसान कामयाबी के लिए आया है सामि नगर ये एक जुमला जो है सुन लें इंसान कामयाबी के लिए आया है तरक्की के लिए आया है यह नाकामी के लिए नहीं आया है अगर यह हक को छोड़ के बातिल की पैरवी करेगा तो यह नाकाम होगा यह नोट करने सामने कर अगर हम हक को सच को तर्क कर दें या आसान अल्फाज में अल्लाह को अपना अगर कोई मकसूद मतलूब महबूब नहीं बनाता अब जाहिर है कि अल्लाह उसका मकसूद व मतलूब व महबूब हो जाएगा लेकिन ये उसकी तबाही का रास्ता है अगर कोई अल्लाह को अपना मकसूद व मतलूब महबूब बना लेता है और माबूद बना लेता है तो अल्लाह ताला के क़ानून के मुताबिक ये कामयाब होगा और इसको नहमतों वाली जन्नत मिलेगी दूसरा उसका कानून ये है कि जो हक़ को कबूल कर ले अल्लाह ताला और उसकी पैगंबर की दावत को कबूल कर ले और उसको जवाब दे यानी उस रास्ते को अपना ले जिस पर चलकर इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है यानी सरात मुस्तकीम तो फिर यह है कि वो कामयाब हो जाएगा और इसको एक ज़िंदगी मिल जाएगी इसको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी यानी इसकी रूह जो है वो उसमें जाना आ जाएगी ताकतवर हो जाएगी हाँ। इस तजीबुल्ल वसूल एजाद आकुम लिमा यू जवाब दो बात मान लो अल्लाह की और उसके रसूल की जब वो तुम्हें बुलाए हक़ की तरफ एजाद आकुम लिमा कुम इसमें तुम्हारी ज़िंदगी है यानी फिर तुम जिंदा हो जाओगे इसका मतलब यह है कि रूह तुम्हारी ज़िंदा हो जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ अल्लाह ताला और उसके रसूल की दावत को रद्द कर दिया गया मान के न माना गया जैसे कि हम कर रहे हैं हमने माना तो है जबान से लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है जो अल्लाह ताला तक पहुंचता है यानी कि सरात मुस्तकीम, तो जाहिर है फिर तो हमें अपना मकसूद नहीं मिल सकता तो अल्लाह जो है वो सीधे रास्ते पर है इन रब्बी अला सरात मुस्तकीम मेरा रब तो सीधे रास्ते पर है ये यानी एक बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं और आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो दीन हम पे कुछ गड़बड़ हो गया है दीन की हकीक़त को समझाने वाले लोग बहुत कम हैं सामि इकर और उलझा देने वाले लोग दीन को उलझा देने वाले लोग काफ़ी हैं और बगैर किसी वजह के उम्मीद दिलाने वाले लोग भी काफ़ी हैं बग़ैर किसी वजह के यानी बहुत से लोग आप कि भई तुम मुसलमान हो और मुसलमान के लिए यानी हमारा जहन ऐसा बना हुआ है कि हल में हमने क़लिमा तैयबा पढ़ लिया है अब अमल की हमें यानी अल्लाह ताला किसी की इबादत का मोहताज नहीं है एक ये जहन बना हुआ है बस हकूक़ाला हकूक़लबादाद अदा करो किसी का दिल ना दुखाओ और किसी को तकलीफ़ न दो दिल ना दुखाओ और ख़ैरा करो ये करो वो करो और बाक़ी तो फिर अल्लाह ताला तो अपने यानी उसको अल्लाह के हकूक़ जो हैं वो माफ़ हो सकते हैं लेकिन बंदों के हकूक़ पूरे करो इबाद बाकी तो हमने कलमा पढ़ा हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारी शफात करेंगे और अल्लाह ताला का रहीम है उसको हमारी नमाज़ों की क्या ज़रूरत है एक ऐसा जहन यानी जहन यह है कि जो मर्ज़ी आए करो कलमा पढ़ के जो मर्ज़ी आए करो जिस तरह मर्जी आए ज़िंदगी गुजारो जन्नत के तुम ठेकेदार हो जन्नत में जाओगे चंदिन अगर तुम दो में रह लिए तो रह लिए वरना जन्नत तुम्हारा ठिकाना है ये बहने ही सामी वही जहनीत है जो यहूद व नसारा की थी एक तो वो फिर यानी सारी उनकी खसूसियात हमने ली वो अपने आप को दीगर अकवाम के मुकाबले में आला और अरफा तस्लिम करते थे नाह अब नाबाह हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं अच्छा फिर कहते हैं कि लन तमसनार्ला आग तो हमें नहीं छू सकती अगर छुए भी तो गिनती के चंद हुँ, दिन होंगे वकालयत होल जन्नत अल्ला मनकन हूदन और वो कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूद कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे। नसारा कहते हैं ईसाई कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ ईसाई दाखिल होंगे हम मुसलमान कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान दाखिल होंगे अल्लाह ताला फरमाता है तिल का अमानी यकुम ये तुम्हारी आर्जुएँ हैं ये यहूद नसारा कौन लोग थे ये सामने कराम अहल किताब थे यही गुजशत मुसलमान थे अहल किताब क्या हम भी अहल किताब हैं अहल कुरान नहीं किताब नहीं है अल्लाह की हम भी अहल किताब हैं तो इन्होंने एक ऐसा जहन बना लिया था कि आ, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी बस जो मुसलमान हैं कलमा पढ़ लिया है आज ईसाइत को देखें वो कहते हैं कि या ईसा कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार है ईसाइत में कोई ख़ास शरीयत नहीं है न कोई चीज़ हराम है ना कोई चीज़ हलाल है जो मर्ज़ी आए करो ईसाइत में ये है ना उसमें तो शरीयत नहीं है यहूदियत को उन्होंने अलग कर लिया और ईसा तो कोई शरीयत लेके आए नहीं थे वो तो उसी यानी हज़रत अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी उसकी तस्दीक करने के लिए आए थे तो ईसाइयों ने यहूदियत को तो अलग कर दिया और इनके पास कोई शरीयत ही नहीं है बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमने यहूद और नसारा की नक़ल में अपने आप को एक बेहतर कौम तस्वुर कर लिया है एक कोई ख़ास चीज़ तस्लिम कर लिया है फिर जन्नत का अपने आप को ठेकेदार समझ लिया है कि भाई जो मर्ज़ी आय करो कर्मा पढ़ लो जो मर्ज़ी आय करो जिस तरह ईसाई कहते हैं ये बात गलत है सामने निकलना क़ुरान की रूप से ये बात गलत है बला मन कसब सैया तन व अहात बिही ख़तिया तोहू व उलाय का अहाब्न्नार हम फी खालिदून जिसको उसकी बुराइयों ने घेर दिया मन कसब सै जिसने बुराई का इरतकब किया और बुराई के रास्ते पर चल पड़ा यहाँ तक कि बुराइयों में पूरा घिर गया व आहा बिही बी ही ख़ियत हु फ़ुलाए का असाब्नार हम फिहा हा ख़ालिदून ये जहन्नमी है हमेशा उसमें रहेंगे क़ुरान में लिखा है।, है बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे जो जहनीत हमारी बना दी गई है या हमने बना ली है उसमें और हकीक़त में बहुत ज़्यादा फ़र्क़ है सूर्य असर को देख लें वल आसरल इंसान लफ़ी खसन अज़ीन आमन व आमिलसलहत व तवास बिलह व तो्र फ़रमाता है कि ज़माने की कसम ज़माना गवाह है इस बात पर कि इंसान नुकसान में जा रहे नुक़सान नुकसान, नुकसान, नुसान चार सिफ़ात के हामिल लोग बच गए बच जाएंगे ईमान आमल साल तो बिल्क तवासो बिससब्र ईमान का मतलब क्या है कि हाँ आप मान लें समय निकराम ईमान बिल्ला का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको ईमान बिल्ला का मतलब यह है कि आप अल्लाह पे यकीन कर लें कि अल्लाह ताला ही मेरा मकसूद महबूब मतलूब है यानी मेरा मकसद ज़िंदगी अल्लाह है मेरा महबूब तरीन हस्ती जो है वो अल्लाह ताला की है मतलूब तरीन हस्ती जो है वो अल्लाह ताला की है फिर उसके रास्ते पर चल कर ये तो ईमान बिल्ला हो गया फिर अमल साल क्या है आप इरादा कर लें अल्लाह के रास्ते पर चलने का और उसके रास्ते पर चल निकलें सिरात मुस्तकीम व अन नहाजा से रॉतवी अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो ये मेरा रास्ता है सिराती ये मेरा रास्ता है मुस्तीमन सीधा फत तभी इसकी पैरवी करो सीधे रास्ते पर चलो वलात सुबुल दीगर रास्तों की पैरवी मत करो उस पर न चलो फतफर र कभी को मानसबील ही फिर वो रास्ते उसके रास्ते से तुम्हें गुमराह कर देंगे तो इस सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है तो सुर असर के मुताबिक ईमान और अमल सवाल पहली चीज़ ईमान बिल्ला जो कि हमारा नहीं है सामने का हमारा ईमान तो ज़ाहिर दुनिया पर है पैसे पे है और दीगर अशया हमें महबूब हैं आप देख लेना महबूब वल्ल जीना आमनु अशद हबल्ला ईमान वाले जो हैं वो शदीद मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से हमारे तो महबूब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं आप देख लें आपने दिल में किन किन बुतों को सजा रखा है बीवी ने शोहर को शोहर ने बीवी को अपने दिल में सजा लिया है फिर वाले ने अपनी औलाद को अपने सीनों में बुत बना के रख दिया है उसकी न तो तरबियत हो रही है ना उसको कुछ बताया जा रहा है बस बच्चा जो मांग रहा है वो दिए जा रहे तो, तो यानी ये बुत हैं सामने निकला फिर पैसा है जेवरात हैं पैसा हैं बीवियाँ जो माए जो हैं कितने जेवरात संभाल के रखती हैं छोटी सी रिंग जो है इधर उधर हो जाए तो ढूंढ पड़ जाती है अल्लाह अकबर तो बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं ये महबूब हैं हमें प्लॉट है फिर आपका कारोबार है फिर कारखाना है आपका फिर कुर्सी है बाज लोगों के पास उहदे हैं कुर्सियाँ हैं वो महबूब हैं उसको अल्लाह से ज़्यादा महबूब हैं उनको अल्लाह अकबर तो ये सारी चीज़ें फिर महबूब हैं तो ईमान बिल्ला तो फिर कहाँ गया ईमान बिल्ला तो यह है कि आप हर चीज़ के मुकाबले में अल्लाह को तरजीह दें अल्लाह ही को अपना मकसूद और मतलूब बना लें और महबूब बना लें फिर अल्लाह के रास्ता जो उसने बताया है अपनी तरफ़ आने का व अनहाजा शराती मुस्तकीमत कि ये मेरा रास्ता है इसकी पैरवी करो तो वो रास्ता जो पैगम्बर ने बताया है पैगम्बर के ज़रिए अल्लाह तला ने बताया और उस पर चलने का तरीक़ा हमें रसूल पाक सल्ला वसम ने बताया तो कोई अगर उसके तरीके पर सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ता है तो इसको अमल साल कहते हैं फिर बतवास बिलह बतवासो बब्र फिर नसीहत करना है एक दूसरे को वसीयत और नसीहत यानी फिर खुद आराम से नहीं बैठना कि भाई मैं तो कर रहा हूँ नमाजें पढ़ रहा हूँ रोज़े रख रहा हूँ या दीन दीन इस्लाम के मुताबिक दीगर लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है नहीं ये एक जमात होगी ये फर्द जो है फिर कोशिश करेगा इस ईमान और आमल साल की रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा तो जो फिर उनके साथी होंगे तो उनको हक पे कायम रहने की तलकिन करते रहेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे को सब्र कायम रहने की तलक़ीन करते रहेंगे यानी मोमिन ईमान लाके और आमल साल करके चुप नहीं बैठेगा वो अपने ईमान की रोशनी को औरों तक पहुँचाएगा जहाँ तक उससे हो सके अपना माल और जान अल्लाह की राह में खर्च करेगा लगाएगा अपना वक्त लगाएगा अपना पैसा लगाएगा और अल्लाह तक अल्लाह के दीगर बंदों तक वो रोशनी पहुँचाएगा क्योंकि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरेज लास त मरुन बिलमूफ वतन अनिल मुलकर वनू न बिल्ला तो सामिहन कर हक कदकम यकीन आ गया तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से तो मैंने हक आपको बता दिया कि हक़ क्या है कि वो हिदायत है क़ुरान की हक क्या है पैगंबर हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर किए गए हैं हमारी हिदायत के लिए तो ये हक है सच है अब ये दोनों चीज़ें हमें अल्लाह की तरफ़ दावत देती हैं व अनीबू अला रबिकु रब की तरफ़ रुू कर लो पलटाओ इस तबुम सतुबो रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और उसकी तरफ रजू कर लो पला टाओ सतोबो इले तो स्वामिन करम अगर ऐसा होगा अगर कोई अल्लाह ताला को अपना मकसूद व मतलूब व महबूब मान के अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ेगा तो क्या होगा यु मतुमता हसन अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा हुद अभी आने वाली है उसमें जो मज़मून है वो इब्तदाई जो मज़मून है इसमें उसमें इनश आ रहा है लेकिन मैं अनस्तफिर तुबिल आयत नंबर तीन में है ये कि तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो अपने गलत तर्ज अमल की गलत मकासद ज़िंदगी के जो तुमने मुतन कर रखे हैं उन सब से तुम रुजू कर लो अल्लाह ताला की तरफ पलट आओ फिर इलह माफ़ी मांगो और फिर उसकी तरफ रुजू कर लो पलट आओ इजीफ रावात बल्द हनीफ़म वमा अना मिनलमशरकिन मैं अपना रुख फेर लेता हूँ अल्लाह ताला की तरफ उस जात की तरफ जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं मैं यकसू हूँ व माना मुशरिकी, मैं दो रुखा नहीं हूँ मैं यकसू हूँ मैं मुशरिक नहीं हूँ तो फिर क्या होगा यु मत मता हसन अल्लाह ताला तुम्हें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएगा व्युतिकल फ़ल फ़ला और हर साहिब फज़ल को उसकी फजीलत तक पहुँचा देगा यानी जिस इंसान में जो भी सलाहियत होगी जो भी काबिलियत होगी उसके बाम अरूज तक अल्लाह ताला उसको पहुँचा देगा तो ये मजमून तो खैर आने वाला है क़राम मैंने सिर्फ़ इशारा किया है आज की जो हमारी आयत है वो यान्नास क्जाकुमर रब्ब को फ़मन तदा फ़िल्नमाय तदील नफ्स बहरल ये जो फमन अहतः इसकी जो तफसल है इन शाला अगले दरस में करेंगे आज तो आज के दर्स का ख़ुलासा ये है सामिकर के हक जो है हक अल्लाह तरफ़ से आ गया है अब कोई रुजर नहीं है सामर हजत ख़त्म हो गई है अगर कलाम ना आता अल्लाह का कलाम ना आता वो हक़ हमें न बताता हक तक पहुंचने का हमें रास्ता न बताता तो फिर तो कोई आ, उज़र हो सकता था लेकिन को मिर रब आ गए भाई, अब कोई हजत नहीं है कुम यकीनन आ गया अल हक़ हक तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारे पास कुम यकीनन आ गई तुम्हारे पास सच हक हिदायत मेर रब को तुम्हारे रब की तरफ से सामिकर इंशाल्लाह मज़ीद बात जो है अगले दर्श में करेंगे व आखिर दावाना अनिल रबालमीन असलकम वरम्त लबरक